कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब ठीक होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही इजी रेसिपी है, कर्ड और राइस, या कर्ड को हम योगर्ट भी बोलते हैं, वो बनाएंगे। बहुत ही सिंपल रेसिपी, तो चलिए बनाते हैं। जो मेरा फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको बता दूं, कुछ व्यूअर्स मेरे साइन लैंग्वेज समझते हैं, तो उनको मैं साइन लैंग्वेज में बता रही हूँ कि हम कर्ड और राइस बना रहे हैं। एक बाउल में हम चावल ले लेंगे, बाउल हम वही यूज़ करेंगे एंड तक, तो एक बाउल और उसका आधा बाउल हम चावल ले लेंगे। उनको हम धोकर उबालेंगे डबल पानी में। दही ले लेंगे नेचुरल, मतलब कि कोई फ्लेवर वाली दही नहीं लेंगे, सिंपल जो दही होती है वो लेंगे। फ्रेंड्स, कर्ड राइस बनाने के लिए हमको कुछ भी लेना है, तो चावल अगर हम एक कटोरी लेंगे तो उसकी डबल क्वांटिटी में हम दही लेंगे। एक प्याज को चॉप्ड कर लेंगे, कोरिएंडर लीव्स और ग्रीन चिल्ली ले लेंगे, और अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो वो स्कीप कर सकते हैं। राइस हैं हमारे बन गए हैं, तो हम इसका पानी निकाल देंगे और इसको छान के अलग से रख देंगे। तब तक हम प्रिपरेशन करते हैं अपनी कर्ड राइस बनाने के लिए। दही के अंदर आपने प्याज, धनिया और हरी मिर्च को डालना है जो चॉप्ड किया हुआ था। अच्छे से मिक्स करना है। आप स्वाद के अनुसार इसमें नमक डालेंगे। और फिर मिलाएंगे इसको। अब आपने इसमें चावल मिलाने हैं, बस आपको रेशो याद रखना है। अगर आप चावल एक कटोरी लेंगे तो दही आपने दो कटोरी डालनी है, उसके डबल ही डालना है। अब आप इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मैं अपने बिगनर्स फ्रेंड्स को बताना चाहती हूँ कि ये रेसिपी बहुत ही इजी रेसिपी है। जब आपके पास ज़्यादा कुछ घर में ना हो तो आप इसको भी बना के खा सकते हैं, और ये बहुत ही डिलीशियस बनता है, क्रीमी क्रीमी टेस्ट आता है इसका। फ्रेंड्स, अब हम इसमें तड़का लगाएंगे, टेम्परिंग करेंगे। पहले हमने देसी घी ले लिया है और दो सूखी लाल मिर्च इसमें डाल देंगे। या तो तोड़ के डाल देंगे तो बेटर रहेगा, उसकी खुशबू बन जाएगी। हल्का सा इसको ब्लैक करना है। ब्लैक मस्टर्ड सीड्स डालेंगे इसके अंदर। ये अगर आपके पास इनकेस नहीं है, वैसे इसी से इसका फ्लेवर आएगा, अगर नहीं है तो जीरा और जो साबुत धनिया है उसको डाल उसको भी डाल सकते हैं, और थोड़ी सी हींग डालनी है खुशबू के लिए। ये हमारा टेम्परिंग बन गया है,
अब हम इस तड़के को जो हमने राइस और कर्ड मिला के रखे हैं उसके अंदर डाल दीजिए। बस यहाँ पर ध्यान रखने की बात है कि जैसे ही तड़का आप डालेंगे तो आप उसको अच्छे से बंद कर देंगे 5 से 4 मिनट तक। अब आप इसको खोल के अच्छे से मिला लेंगे और फ्रेंड्स ये आपकी रेसिपी तैयार है और इतनी टेस्टी है, इतना अच्छा टेस्ट आता है इसका। आप जब इसको बनाएंगे खाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। बहुत ही इजी रेसिपी है, आप इसको ज़रूर बनाएं। फ्रेंड्स मेरे इस वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलिए। फिर मिलेंगे, बाय, सी।